भी गाड़ी जा रही है सर्विस के लिए। छह लीटर नीचे से कुछ इस तरीके से लगती है थार। अगर देख रही हो तो किसी ने नहीं देखी होगी नीचे से, मैं आपको नीचे से भी दिखा रहा हूँ। तो गाइस ये है बिल वहाँ का। राधे राधे सभी को। यो गाइस, तो मैं जितिन जैसन फिर हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो आई गाइस स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस आज की सुबह हो रही है अपने थार के साथ मस्त। हम आ रहे सिटी, तो हम लोग आ चुके थे सिटी। तो आज के ब्लॉग में आपको दिखाने वाले हैं, मतलब आज का ब्लॉग आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव, जिनके पास थार है, जिनके पास कार है, उनके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं। क्योंकि आज हम दिखाने वाले हैं आपकी अपनी थार की फर्स्ट सर्विस। हम लोग बताया, हम लोगों ने नई थार ली थी, नई थार है हमारी, हम लोगों ने ली थी अभी मुश्किल से, अभी हुई है मुश्किल से इसे 45 दिन ही हुए थे। तो 10,000 पहले सर्विस होती है 10,000 रुपये। तो देखते हैं कैसा क्या इन्फॉर्मेटिव रहती है। हम जा रहे हैं अपनी महिंद्रा एजेंसी, तो वहाँ दिखाएंगे आपको कैसा रहता है। तो आज का ब्लॉग आप पूरा देना, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं महिंद्रा, ये महिंद्रा का शोरूम। तो चल रहा है फोन में हमारे ब्लॉग। आ चुके हैं महिंद्रा का शोरूम और यहाँ पे अपॉइंटमेंट ले ली थी हम लोगों ने, इसी सर्विस के लिए लगाते हैं हम लोग। चले करेंगे सर जी गाड़ी चेक, इसका मीटर चेक होता है कितने किलोमीटर चल चुकी है। तो अभी सर चेक करेंगे कैसा क्या हुआ। सबसे पहले ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन होगी, ऑनलाइन आपकी अपॉइंटमेंट है। जॉब कार्ड है ये, मतलब पहले ऑनलाइन करेंगे ना, सबसे पहले जॉब कार्ड लेकर के ऑनलाइन चलाएंगे अपॉइंटमेंट को। ऑनलाइन जॉब कार्ड ओपन। अच्छा, अभी गाड़ी जा रही है सर्विस के लिए, ये पर्सनल वर्कशॉप यहाँ हो रही है एंटर। यही होती है महिंद्रा की कार सर्विस, देखते हैं कहाँ लगाते हैं अभी। देखिए यह है महिंद्रा का सर्विस सेंटर, यहाँ पे आप लोग देखें बस ट्रेंडिंग गाड़ियाँ हैं सिर्फ। अभी देखो स्कॉर्पियो चल रही ट्रेंड में, तो वही ब्लैक ब्लैक स्कॉर्पियो देखो पूरे में, और थार सिर्फ जो ट्रेंडिंग गाड़ियाँ हैं। देखो टांग के रख दी ऐसे, तो अभी हमारी भी सर्विस होगी आपको दिखाएंगे, सर्विस बने रही है। भाई फाइनली हमारी गाड़ी लग चुकी है सर्विस स्टैंड पर, अब देखते हैं क्या करते हैं ये लोग। हमारी सर्विस हो चुकी है, तो भैया से पूछते हैं क्या क्या होता है फर्स्ट सर्विस में। भैया क्या क्या होता है फर्स्ट सर्विस में। सर्विस मतलब पहले तो जाना चेकअप होता है ना फर्स्ट में 1,000 रुपए। सर्विस तो यही है ना पहली तो। हाँ तो क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, अच्छा मैक्स इसमें और डलेगा। अच्छा मैक्स तक करना पड़ेगा, और 6 लीटर इसमें इंजन ऑयल डलता है। वैसे 10 लीटर होता है ना इंजन ऑयल, तो 6 लीटर होता है। अच्छा और क्या क्या होगा। 6 लीटर का। अच्छा और ये ब्रेक ऑयल है, ये चेक होगा, कम तो नहीं है। ठीक है, ठीक है। और पूरा नट बोल्ट चेक होगा इसके नीचे, ठीक है। और चेकअप होगा पूरा ऑयल पानी, ठीक है। इतनी काम होता है। नीरज जी बताएंगे, नीरज जी क्या जाएगा क्या बोल क्या 10 लीटर बोल लेगा सब है। यूरिया है। अच्छा यूरिया डलेगा 10 लीटर। यूरिया से क्या होता, यूरिया से ये प्रदूषण नहीं फैलता, धुआं नहीं आता गाड़ी में। जो VS4 गाड़ियाँ वो कम से कम 3-4 साल बाद धुआं देने लगती है गाड़ी। अच्छा ये VS6 है ना। ये VS6 है। वाह नीलेश जी ज्ञान है आपको भी, कैसे कहाँ से आया ज्ञान, स्कूल में पढ़ा था आपने। अच्छी वैसे बढ़िया अच्छी गाड़ी ली जो आपने प्रदूषण नहीं फैलाती है ना। नाइस, चलो आपको दिखाते हैं सिनेमेटिक में क्या क्या हो रही है, कैसे सर्विस। देखिए भैया पूरे नट चेक कर रहे हैं, कोई नट ढीला तो नहीं है, खुला तो नहीं है, बढ़िया प्रॉपर सर्विसिंग कर रहे हैं बढ़िया से। यहाँ से देख रहा हूँ 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटे से बढ़िया प्रॉपरली सर्विस हो रही है, क्योंकि नट चेक हो गया, ऑयलिंग निकल चुका है यहाँ पर, और भी उन्हें फिल्टर सारे निकाल दिए पड़े हुए हैं, अभी नए फिल्टर लगेंगे और चेक होगा। तो पूरे नट चेक कर रहे हैं, कहीं ढीला ज़्यादा तो नहीं है कोई। आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं यहाँ पर, यहाँ दिखाते हैं कहाँ है गिरवक्सा, ये है ना गिरवक्सा। देखो ये गिरवक्सा है यहाँ पर, ये देखो एक साइड पर ये लगी हुई है पीछे वाले ट्रैक ले जाती है, और एक साइड पर ये लगी हुई है
ये इसी को कहते हैं 4x4। और आपको मैं दिखाऊँ पूरा है यहाँ से, देखो ये है गेरबक्सा, ये एक सापट, ये मतलब ये गई है यहाँ पर, ये दोनों डोरे को घुमाती है, वो बना है चैम्बर। और यहाँ से अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये गया है, वो बना है चैम्बर, ये डोर जहाँ घूमता है। ये फुली ऑटोमेटिक है, दिख रहा हो आपको, ये लगा हुआ है, ये ऑटोमेटिक है। अगर ये तो मैनुअल होती तो दूसरा लगा होता है इंजन का। इस तरीके से चेक हो रहा है, ऑयल निकल गया, यहाँ पर चल रहा है चेकिंग। चलिए हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको, नीचे से कुछ इस तरीके से लगती है थार। अगर आपको दिख रही हो तो, किसी ने नहीं देखी होगी नीचे से, लेकिन मैं आपको नीचे से भी दिखा रहा हूँ, तो इस तरीके से लगती है थार। इंजन ऑयल है, इंजन ऑयल, ठीक है। 6 लीटर ये डिफरेंशियल ऑयल है, ये पीछे का क्राउन का, ठीक है ठीक है। ये तो रस्टॉप है जो ग्रीसिंग का काम करता है, पूरे नट बोल्ट पे डलता है, ठीक है। और ये कूलेंट है, ठीक है। ये ऑयल फिल्टर है, ऑयल फिल्टर है, ठीक है। ये शैम्पू है, शैम्पू को गाड़ी धुलने के लिए, हां नहीं वाइपर के, अच्छा वाइपर, ठीक है। ये ऑयल फिल्टर है, ठीक है। ये यूरिया है, ठीक है। और ये एसी फिल्टर है, ठीक है। और ये सीट कवर है, ठीक है। ये जो पाइप का है, ये यूरिया का पाइप है, ये सब जी फिल्टर नहीं लेके आए, और ये आपकी गाड़ी का नहीं है, ये आपकी गाड़ी का है, अच्छा ठीक। ये सब डल जाएंगे आप, ठीक है, ये सब डलेंगे, ये सब डलते हैं, पूरी ये चीज़ें देख रही हैं आपको, ये सारी चीज़ें डलते हैं। तो गाइस मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये है डीजल टैंक, ये है यूरिया टैंक, देखो बगल में डलता है, देखो ट्रांसफर होना शुरू हो चुका है, ये डल रहे हैं। ये है 10 लीटर, देखिए 10 लीटर डलता है, इससे पोल्यूशन नहीं फैलता है। सही, सर्विस हो चुकी है पूरी, भैया सर्विस हो गई पूरी कंप्लीट। अभी कहाँ ले जा रहे हैं? वॉशिंग के लिए, तो अभी जा रहे हैं धुलने के लिए, तो चमक के आ जाएगी बिल्कुल नई, तो वॉशिंग होती है, तब तक हम लोग बातें कर लेंगे, सब लोग आ चुके हैं तो बैठते हैं, चलिए। तो गाइस वहाँ हो रही है सर्विस, हमारे सब भाई लोग आ रहे हैं, हमारे आगे भैया बाबू जी नीरज भैया, राधे राधे सभी को। देखो नीरज भैया अपने फोन में जैसे की हवा ले रहे हैं इधर, नीरज भैया क्या देख रहे हो? फाइनली हमारी थार सर्विस हो गई, आ चुकी है, हम लोग लेके आ चुके थे क्योंकि लेट हो रहे थे, हम लोग निकल के आ चुके हैं, तो आपको दिखाते हैं कितने कितने सर्विस कॉस्ट लगे और क्या क्या हुआ। तो गाइस ये है बिल वहाँ का, ये देखिए पूरे दिखाएं आपको, तो पूरे पूरे पार्ट्स के जो जो लगाए थे, जो आपको बताया था उन्होंने, ऑयल मॉयल का सब उस चीज़ के सर्विस कॉस्ट कुछ लगे क्योंकि फ्री होती है, तो टोटल अमाउंट लगाए हमारा 6,293 रुपये लगे हुए हैं। नटराज मोबाइल्स पेमेंट लिमिटेड से कराया था हम लोगों ने, बढ़िया पूरा कम्प्लीट हो चुकी है, अंदर भी और पीछे भी पूरा कंप्लीट होता है, सर्विस तो अच्छी होती है लेकिन बढ़िया है। चलिए आपको एक चीज़ हो रहा है, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और कमेंट बताना कोई जानकारी छूटी हो तो आपको वो भी बता सकते हैं। तो बस आज का ब्लॉग बढ़िया रहा, तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी क्रूज़ को उठाने की, क्योंकि हम लोग की क्रूज़ भी हमने थोड़ा सा सर्विस के लिए डाली थी, क्रूज़ हमारी 7A क्रूज़ है, जो मेरी फेवरेट गाड़ी है, रेड कलर की आपने देखी हुई पहले ब्लॉग में, तो वो भी उठानी है, वो भी चलते हैं लेने के लिए। चलिए हम लोग आ चुके थे अपनी, हमारी क्रूज़ वापस बन के आ चुकी है, मतलब थोड़ा सा सर्विस वगैरह होनी थी, सर्विस होकर आ चुकी है, देखो बढ़िया लग रही है, धुल के देखने का और अच्छी लगेगी, तो हम लोग ले आए थे। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके थे क्योंकि भूख लग रही है बहुत भयंकर, गाड़ी का काम पूरा हो चुका है, अभी कुछ खा लेते हैं, सुबह कुछ नहीं खाया, तो अभी आए हैं फिलिप होटल, यहाँ की दाल बहुत फेमस है, नहीं है फेमस, भैया की फेवरेट है, हम लोग खाएँगे दाल रोटी, देखते हैं क्या वैसे, आज भीड़ कम है, यहाँ पर भीड़ लगी रहती, अरे छोड़ा छोड़ा नहीं लग रहा, छोड़ो अरे खाली ऐसे छोड़ा लग रहा है। अभी आ चुकी है हमारी झांसी की फेमस दाल, खाएँगे रोटियाँ, चलिए खाते हैं, जगह बढ़िया बस जैसे आए शुरू, चलिए खाते हैं। तो गाइस खाना पीना मस्त खा लिया, आप चलने से आज बहुत थक गए, मेरे थकावट बहुत महसूस हो रही है, क्योंकि आजकल नींद पूरी नहीं हो रही है, मात 3-4 घंटे या 5 घंटे ही सो पा रहा हूँ, बहुत दिक्कत हो रही है, थकावट बहुत ज़्यादा महसूस, जैसे खाना खाया थकावट महसूस हो रही है, चलते हैं सीधे घर पर, चले घर। चलो तो गाइस फाइनली आ चुके हैं घर पर, कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, खाना पीना वहाँ खाई आए थे, अभी रात के 9 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, अभी यार भयंकर नींद, क्योंकि थक गए हैं बहुत, आजकल मेरी थकावट बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पाई, तो आज जल्दी मैं जल्दी से 12 बजे तक एडिटिंग पूरी कर लूँगा, सब कुछ कर लूँगा, लगभग अभी 9 बज चुके हैं, 3 घंटे में सब कुछ हो जाएगा। तो गाइस आई होप आज का ब्लॉग पसंद आया हो, तो लाइक कर देना, मेरे चैनल पर नए हूँ सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं ऐसे अच्छे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तो गाइस आज का अलविदा, मैं अभिजीत जैक्सन, जय हिंद जय भारत।